भात हो चुका है, ये आपने सीढ़ियाँ दे दी हैं, ये देखिए ये ऊपर चढ़ते ही यहाँ पे, हाँ ये देखो यहाँ पे हमने क्या कर रही है, तो ये खम्भे भी बन चुके हैं, इसमें आग भर चुका है। फिर आप ये देख सकते हैं ये रूम का साइज़ लेके इसमें ईंटें रख दी गई हैं, कल इसके ऊपर ईंट चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा मतलब, ठीक है। ये इस तरीके ये वाला रूम है, और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ये किचन का साइड आ जाता है, ये कॉर्नर वाला, ठीक है। अब इन सब में आपने देखे हैं कि ईंट रख दिए हैं हमने, जो भी रूम है उसके साइज़ को लेकर, ये देख सकते हैं ये ईंट रखना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब नीचे की तरफ है बेसमेंट का रास्ता, ये देखिए, अब ये इस तरीके से है। अब मैं कॉर्नर तक आ गई हूँ जहाँ पर हमारी टंकी आ गई है, अब ये रहा, ठीक है। अब ये जो आपको गैप दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे गेट बनेगा, ठीक है। ये गैलरी, ये इतना रास्ता है, यहाँ पे सामान वामान लेके रख दिया है, अब कल स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा ईंट वगैरह आ चुके हैं यहाँ पे, जो ये बीच बीच में ईंट रखी है यहाँ पे, कल इसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा रखना, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे जो गैप है ये वाला, ये अपना गेट के लिए है। तो अपने यहाँ का व्यू देखा, ठीक है, इस तरीके से किया गया है। फिर दोबारा हमें नीचे जाने का आ गया, नीचे वाला बेसमेंट के लिए है सीढ़ियाँ, यहाँ से व्यू देखिए, इस तरीके से। साइज़ दिया है उस रूम का साइज़ को लेकर बाउंड्री बना दी गई है, ये देखिए ये सारा बाउंड्री बन गया है यहाँ पे। क्या मस्ती कर रही है, ये देखो ऑफिस का है, ये ऑफिस का है, अगर आप छोटा सा रूम इधर बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये मिडिल का रूम और ये कॉर्नर का रूम, फिर बीच में से एक गैलरी है, और फिर इधर से रूम, थ्री रूम्स इस तरफ है।